तो आप सीएनबीसी बाजार के 10 साल पूरे होने पर आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया और यहाँ एनएससी में ओपनिंग बेल बजाने का मौका दिया, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और सीएनबीसी बाजार के सभी दर्शकों को एनएससी की तरफ से और मेरी तरफ से भी बहुत शुभकामनाएं कि अगले 50-100 साल तक देश की सेवा करते रहे, इंडस्ट्री की सेवा करते रहे। ओके, देखिए एक कहते हैं कि बिजनेस की मातृभाषा गुजराती है और स्टॉक मार्केट का तो गुजराती कनेक्शन हम सब जानते ही हैं कि कितना वॉल्यूम आपका गुजरात से आता है और इवन मुंबई में भी जितना वॉल्यूम आता है उसमें कितना गुजराती पार्टिसिपेशन है, इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो। एक तरह से आप देखेंगे तो जो स्टॉक मार्केट में खासकर ईस्टर्न इंडिया में जब स्टॉक मार्केट लगा 1875 में ऑफिशियल उसका जो एसोसिएशन बना नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन जो आज हम बीएससी के रूप में जानते हैं वो भी गुजरातियों ने ही बनाया था। तो उसके कारण एक तरह से जो नोटिसेस भी आती थी मुझे याद है 1993 तक वो भी गुजराती में आती थी। तो उस हिसाब से गुजराती को एक बड़ा हिस्सा रहा स्टॉक मार्केट के बनाने में भारत में। और एक तरह से ये जो ट्रस्ट मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट जिसको हम ट्रस्ट मार्केट कहते हैं, उसको बनाने में गुजरातियों की भूमिका रही कि जब जब उद्योजकों को पैसों की जरूरत पड़ी तो गुजराती निवेशकों ने उनको पैसा दिया। एक समय था, आज हालांकि ये भी है कि भारत में सब जगह से, सब कोने से, उत्तर से, पूर्व से, दक्षिण से और सभी जगह और सभी कोनों से, इवन मध्य से हमारे पास आज निवेशक आ रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि सिर्फ मुंबई गुजरात में ही ज़्यादा उसका प्रचलन था और गुजरात में भी एक्सचेंजेस थी, अहमदाबाद वो भी करीब करीब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जितनी ही पुरानी थी। कलकत्ता, दिल्ली में भी अच्छी बड़ी एक्सचेंजेस थी लेकिन उस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दबदबा था और बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज भी थी एक जमाने में। दूसरे दो एसोसिएशन थे सूरत में और राजकोट में जिन्होंने भी एक्सचेंज की मांग की थी, लेकिन उस समय फिर एनएससी की रचना हो गई थी तब तक फिर उनका उनकी जो मांग थी वो स्थान करके उनको नहीं दिया गया था। और गुजरात में तो अब सिटी भी है और वहां से आपके जबरदस्त वॉल्यूम्स आ रहे हैं तो वो भी एक क्लियर कट आपको बता रहा है कि अगर कोई एक सिटी चुनी गई जो जब एसजीएक्स से वॉल्यूम यहाँ लाना था तो वो भी गांधीनगर गिफ्ट सिटी, तो वो भी एक रिकमेंड है शायद इस चीज के लिए। हाँ, एक तरह से स्टॉक मार्केट से एक लंबा सा जुड़ाव रहा, 150 साल का तो बीएससी का इतिहास रहा, तो मेरे हिसाब से एक पूर्व भूमिका थी, लोगों को निवेश करने की एक तरह से ट्रेडिशन थी, जिसकी वजह से आज जो सीएनबीसी बाजार को भी जो प्रतिसाद मिल रहा है मार्केट से वो आसान नहीं होता। एक निश जो टेलीविजन चैनल जो सिर्फ बिजनेस पे बात करती है फिर भी आप सीएनबीसी बाजार को पूरा दिन बिजी रख सकते हो, उसका कारण यही है कि गुजरात की जो प्रजा है और गुजराती जो स्पीकर्स है अक्रॉस द वर्ल्ड दे लुक एट स्टॉक मार्केट्स विद मच मोर कीननेस देन एनी अदर कम्युनिटी आई थिंक। ओके, मेरी टीम तैयार है आपसे कुछ और बात करने के लिए, उससे पहले मैं एक दो चीजें आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जो रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और खासतौर से जो एफएनओ में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है उसको लेकर कुछ चिंता है, क्योंकि मेरी वीकेंड पे बीएससी हमसे बात हो रही थी, वो कहते हैं कि कोई चिंता नहीं है, एकदम सब कुछ वेल रेगुलेटेड है, आपका क्या व्यू है? मेरे हिसाब से देखिए एक चिंता जताई गई है तो वो उसका ध्यान माने उसका संज्ञान में लेना चाहिए, उसके ऊपर जो भी करना पड़े करना भी चाहिए। उसमें जब भी कोई भी मार्केट चलाते हो तो खास करके सेंट्रलाइज मार्केट, उसमें दो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। एक तो यह है कि आप सिस्टमैटिक रिस्क कितना है और फिर हर व्यक्ति को रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो ज्यादा नहीं है क्योंकि टोटल ओपन पोजिशंस जो पूरे भारत में है करीब 20 लाख करोड़ के इर्द गिर्द होती है, उसमें से आप जो डेल्टा हेज पोजीशन जिसको कहते हैं वो करीब 2-3 लाख करोड़ से कम ही होगी और जो मार्जिनिंग की हम ज्यादा मार्जिन भी करते हैं तो करीब 1,75,000 करोड़ का मार्जिनिंग पोजीशन होता है, उसके सामने 7 लाख करोड़ का मार्जिन तो सिर्फ एनएससी के क्लियरिंग हाउस के पास होता है। तो जो सेंट्रलाइज्ड रिस्क की बात है उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो हर व्यक्ति अपना अपना जो करता है बिजनेस या कोई ट्रेडिंग उसमें उसको करने देना चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर ही मेरे हिसाब से चर्चा होनी चाहिए। और जो सही है, विश्व भर में डेरिवेटिव्स क्योंकि ज्यादा स्पेकुलेटिव माना जाता है तो उसके ऊपर एक तरह से कौन उसमें जा सकता है, प्रोडक्ट सुटेबिलिटी वगैरह की गाइडलाइंस होती है, प्रोडक्ट जो छोटे निवेशक जो होते हैं उनको डेरिवेटिव्स में ज्यादा ट्रेडिंग ना लगे
उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट की भी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगे, कुछ ऐसी उसकी जरूरत, उसकी जरूरत है सेबी को लगे कि ये अच्छा है, वो जरूर उनको करना ही चाहिए। क्योंकि देखिए ये स्टॉक मार्केट जो है ट्रस्ट फ्रेमवर्क है, उसमें समाज का जो ट्रस्ट रहे वही बेहतर है। तो जहां से भी किस तरह की कंप्लेंट्स आती है उसके ऊपर जरूर से गौर करना चाहिए और डिसीजंस लेने चाहिए। रिटेल का डोमिनेंस काफी बढ़ रहा है और अब हमारी मार्केट का क्लियर कट एक जो डिपेंडेंस था एफआईआई पर वो कम हो रहा है। आपने तो फेजेस देखे थे जब एफआईआई के सेलिंग पे मार्केट इतना गिर जाता था, क्या आपको इस चीज से थोड़ी खुशी है कि अब हमारी मार्केट उतनी डिपेंडेंट नहीं है फॉरेन फ्लोज पर जितनी पहले थी? मुझे लग रहा है कि देखिए जब कोई देश विकास करता है तो उसके ऊपर सभी तरह के जो निवेशक होते हैं उनका एक तरह से भाग होना चाहिए और हमारे रिटेल निवेशक आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। पहले भारत के जो रिटेल निवेशक थे लैंड में या गोल्ड वगैरह में निवेश करते थे, आज वो स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए उतने तत्पर है और वो एक तरह से उनका हमारे जो निवेशक है हमारे जो लोग भारत की जो प्रजा है उसका हमारे उद्योजक पे कितना भरोसा है कि वो उनको उनके लिए धन कमा के देंगे, तो बहुत बड़ा एक लीप ऑफ फेथ बन जाता है जो जिसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मैंने कई बार जाहिर भी किया कि ये एक अद्भुत चीज है जब लो पर कैपिटल इनकम जैसी कंट्री है हमारी जिसमें $3,000 से भी पर कैपिटल इनकम लो है उसके बावजूद, क्योंकि इकोनॉमिक थियोरी कहती है कि जो देश में गरीब लोग रहते हैं वहां पर वो बचत भी कम होती है और दूसरों पे तो भरोसा कम ही रहता है, जबकि हमारे लोग दूसरों पे भरोसा कर रहे हैं, उद्योजक पे भरोसा कर रहे हैं और जिससे देश भी आगे बढ़ रहा है, धन संपत्ति सृजन भी हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा फेस है, हर देश के हिस्ट्री में एक दो बार ऐसे फेस आते हैं जो हमारे हम एक तरह से सद्भागी है कि हमारे सामने ये फेज आ रहा है, हम देख पा रहे हैं, हम उसका आकलन नहीं कर पा रहे कि ये कितना बड़ा फेस है। हालांकि मेरा तो ये भी रहेगा कि जो फॉरेन के निवेशक को भी हमने एक तरह से उतना वैल्यू देना चाहिए, उनको उनके लिए जो भी सहायता करनी चाहिए कि जो भारत में आए हमारे देश के विकास के लिए अपने पैसे निवेश करें और भारत को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, दोनों की जरूरत है। चलिए सीएनबीसी आवाज पर भी जुड़े रहे आप, हमने इसको कट किया था सीएनबीसी आवाज पर भी, लेकिन आज बात गुजराती की है और आज बात सीएनबीसी बाजार की है, तो मेरी सीएनबीसी बाजार की टीम अब तैयार है आपसे बाकी के सवाल गुजराती में पूछने के लिए। आप दोनों आइए प्लीज।